दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अभी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से इंट्रास्टेट सेल ट्रांजैक्शन और इंटरस्टेट सेल वाउचर की ट्रांजैक्शन को कैसे तैयार करते हैं। इंट्रास्टेट यानी कि जब हम हमारे कस्टमर को विद इन स्टेट कोई गुड्स ऑफ सेल करते हैं तो उस वक्त हमें इंट्रास्टेट सेल की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। और अब हमारा कोई कस्टमर आउट ऑफ स्टेट का है, मान लीजिए हम राजस्थान से, और हमारा जो कस्टमर है वो दिल्ली का है, तो उस वक्त जो हम सेल वाउचर तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेट सेल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों के लिए एक कॉमन लेजर तैयार करना होता है या फिर अलग अलग बनाना चाहिए, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है वो सारी कंपनी लेवल की जो अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है उसी बेसिस पे हम उसको मेंटेन करना सीखेंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों इससे पहले हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हम आउट ऑफ स्टेट यानी कि इंटरस्टेट परचेज की ट्रांजैक्शन किस प्रकार करते हैं और विद इन स्टेट यानी कि इंटरस्टेट की जो परचेज ट्रांजैक्शन है उसको किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में परचेज एंट्री करना सीखा था। तो अभी तक आपने अगर हमारी इस परचेज वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को भी आप प्लीज़ जरूर देखिएगा ताकि आपको सेल ट्रांजैक्शन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने डे बुक पर चलते हैं और हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर दो ये परचेज वाउचर की एंट्री करी थी, एक ये हमारी आउट ऑफ स्टेट की यानी कि IGST की एंट्री थी और ये एक हमारी लोकल यानी कि विद इन स्टेट राजस्थान की ही ट्रांजैक्शन थी। तो और आज की ये तो हमारी परचेज ट्रांजैक्शन थी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल ट्रांजैक्शन की। तो दोस्तों सेल ट्रांजैक्शन के लिए हम वाउचर पर जाएंगे और वाउचर पर जाने के बाद हम करेंगे यहाँ पे सेल वाउचर के लिए F8, और जैसे हम F8 प्रेस करेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पर जैसे देख रहे हो हमारे पास केवल दो ही सप्लायर्स के लेजर हैं, तो अब हमें दो अलग कस्टमर के लेजर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो Alt+C के साथ हम लेजर क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर है, उसका नाम है राजकुमार, और ग्रुप हमारा रहेगा अंडर सैंडी डेप्टर में, क्योंकि हमारे ये जो कस्टमर है वो सारे अंडर सैंडी डेप्टर में रहेंगे। अब ये मान लीजिए इसका एड्रेस है ये राजस्थान का ही है, और एड्रेस हम यहाँ पे लिख देते हैं श्रीगंगानगर, और इसका जो स्टेट है ये हमें ध्यान रखना, स्टेट इसका राजस्थान ही रहना चाहिए अगर ये हम विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो। उसके बाद में अगर आपके पास पिन कोड अवेलेबल है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपका ये कस्टमर रेगुलर है यानी कि ये GST के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको रेगुलर रख सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कस्टमर है आप इसको अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हैं और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में सारी बिलिंग्स, पार्टी डिटेल्स, इनवॉइस के पर्पज से हम यहाँ पर इसको मैंसन कर सकते हैं सारी डिटेल, और Ctrl+A के साथ इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में आइटम हमारी रहेगी, मान लीजिए हमारे पास इसमें कीबोर्ड विद वायर हम इनको सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी हम दो पीस सेल कर रहे हैं, और रेट मान लीजिए हमने को 500 रुपये का सेल रेट लगाया, ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें एक सेल का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अब सेल यानी कि अब हम दो टाइप की सेल करेंगे, एक विद इन स्टेट की और एक आउट ऑफ स्टेट की, यानी एक इंट्रास्टेट और एक इंटरस्टेट। तो हमें एज ए कंपनी लेवल की अगर हम बात करें तो हम दोनों को अलग अलग लेजर से ही मेंटेन करेंगे। तो हम Alt+C के साथ एक लोकल का लेजर हम क्रिएट करेंगे, मान लीजिए कि GST 18% सेल है हमारी, और हम इसके आगे हिंट दे देंगे लोकल ताकि हमें पता चलता रहे, और ये अंडर में रहेगा सेल काउंट, और उसके बाद में GST एप्लीकेबल रहेगा, और सेट GST डिटेल्स के अंदर हम इसको यस करेंगे, और यस करने के बाद में जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है यहाँ पर हम डाल देंगे सेल टैक्सेबल, क्योंकि हमारी लोकल की सेल है तो इसलिए हम ओनली सेल टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे, और रेट है जो 18% रहेगा, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे। और उसके बाद में नीचे आने के बाद हमेशा की तरह CGST टैक्स और SGST टैक्स, आप CGST टैक्स और SGST टैक्स के लिए एक कॉमन लेजर ही हमारा रहेगा। तो इसको वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि अगर हम इंटर अलग अलग सेल जो तैयार करेंगे इंटरस्टेट और इंटरस्टेट की, उसका डिफरेंस क्या आएगा हमारी बुक्स पे उसको हम एंट्री करने के बाद देखेंगे। इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो ये तो थी हमारी विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन। अब हम एक आउट ऑफ स्टेट की ट्रांजेक्शन सेल की करके देखेंगे। तो Alt+C के साथ हम एक नया कस्टमर हम जोड़ लेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास कस्टमर है विवेक सिंह, ठीक है, और ये हमारे कस्टमर है तो सैंडी डेप्टर्स में रखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस हम मान लीजिए ये पंजाब से हैं, तो हम यहाँ पे एड्रेस पंजाब का इनका डाल देंगे,
और यहाँ पे जो स्टेट है वो आपको ध्यान में रखना है, ये स्टेट जरूर आपको पंजाब करना पड़ेगा। तो उसके बाद में अगर ये पार्टी आपके रजिस्टर्ड है तो आप इसमें रेगुलर रख के इनका जीएसटी नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको अनरजिस्टर्ड में रख सकते हो। उसके बाद में ये पार्टी डिटेल्स कंट्रोल एक के साथ हम इसको विंडो को एक्सेप्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमने इनको माउस विद वायर है जो सेल किया है 4 पीस और इनका जो रेट हमने लगा दिया 350 रुपये। अब हमें यहाँ पर एक आउट ऑफ स्टेट के लिए सेल का नया लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमने अभी जो लेज़र बनाया था ये हमारा जीएसटी 18% लोकल का था। हम यहाँ पे एल्ट सी के साथ जीएसटी 18% सेल, हम इसको आगे हिंट पे दे देंगे आईजीएसटी ताकि हमें पता चलता रहे भी आउट ऑफ स्टेट की ट्रांजेक्शन है। तो इसका ग्रुप रहेगा सेल काउंट, और सेल काउंट के बाद में जीएसटी एप्लीकेबल और सेट जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर अब यहाँ पर हम सेल करेंगे इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। ये हमें ध्यान रखना, आउट ऑफ स्टेट के लिए इंटर स्टेट टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और लोकल की सेल के लिए ओनली सेल टैक्सेबल को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में जीएसटी 18% और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखेंगे। उसके बाद सेकेंड आइटम और भी हो सकती है आपके पास, और उसके बाद में हम टैक्स लगाएंगे आईजीएसटी टैक्स। तो ये आईजीएसटी टैक्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अब गलती से आपने सीजीएसटी टैक्स लगा दिया तो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो विवेक का जो कस्टमर लेजर हमने क्रिएट किया था उस वक्त इनका जो स्टेट है वो आउट ऑफ स्टेट यानी कि पंजाब सेलेक्ट किया हुआ था। तो ये उसी के बेस पे ये टैक्स की कैलकुलेशन करेगा, और इंटरप्रेस करते हुए इस वाउचर को भी हम करेंगे यहाँ पर सेव। तो इस तरीके से हमने एक इंटर स्टेट और एक इंटर स्टेट सेल की ट्रांजेक्शन करी। अब इनका बुक्स पर क्या इफेक्ट आएगा वो देखने के लिए हम वापस गेटवे टेली पर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएंगे और एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे। तो इससे अब होगा क्या भी, आपको जो सारी ट्रांजेक्शन है अलग अलग शो करेगा। अब जैसे कि आपने टोटल जो सेल करी है वो 2400 रुपये की करी है, अब इसके अंदर आपने जीएसटी 18% की जो सेल है वो तो करी है आउट ऑफ स्टेट की, और 18% लोकल की जो आपने सेल करी है वो करी है 1000 रुपये की। तो यानी कि इस तरीके से हम इसको अलग अलग कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि सेल एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन हमने जो ट्रांजेक्शन करी है वो अलग अलग स्टेट में करी है। तो इससे हमें पूरा बेनिफिट ये मिलेगा, हम इसको अच्छी तरीके से इसका क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं टोटल सेल का भी, आउट ऑफ स्टेट सेल हमारी कितनी रहती है और लोकल की सेल कितनी रहती है। तो अगर हम इसको एक कॉमन लेजर अगर हम क्रिएट करते तो ये जो 2400 रुपये की जो नेट सेल है वो हमें जीएसटी 18% सेल के अंदर ही यहाँ पर शो होती, तो हम उसको बाद में अलग अलग कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है इसका वेरिफिकेशन करने के लिए। तो इसलिए पहले ही हमने इसका 18% सेल आईजीएसटी का और लोकल का अलग अलग लेजर क्रिएट कर लिया। तो इसी तरीके से प्रीवियस वीडियो हमने देखा था, हमने परसेज के भी अलग अलग लेजर तैयार किए थे। लोकल का हमने एक अलग तैयार किया था परसेज का लेजर, और आउट ऑफ स्टेट के लिए अलग लेजर तैयार किया था। तो इससे हमने सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा जो जीएसटी ऑडिट पर्पज से या जीएसटी की जो हम एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक अलग अलग चार्ट जो हमारा बनेगा आउट ऑफ स्टेट के लिए इंटर स्टेट के लिए तो वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।